पहाड़ पर चढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं कमरगा गांव में और इधर अभी फ़िलहाल मैं मेन रोड में हूं और मेरे साथ में है दिनेश भगत जी, जो मेरे साथ में हैं। तो दोस्तों, आज हम कमरगा के शिव मंदिर जाने वाले हैं, जो एक पहाड़ में स्थित है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि इधर एक ठो बोर्ड लगा हुआ है शिव धाम जाने का, जो इस पहाड़ी में उपस्थित है वो मंदिर। तो आज हम उस मंदिर में जाने वाले हैं दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और चलिए हम लोग चलते हैं शिव मंदिर का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अभी जो हम इस रास्ते से आए हुए हैं और ये काफ़ी घाटी चढ़ने के लिए पड़ेगा हम लोगों को। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि इधर एक घाटी है और इस घाटी पर हमको चढ़ना होगा। और इधर देख पा रहे होंगे, इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी हरियाली है इधर, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस घाट को हमको अभी चढ़ना होगा और इस घाट को चढ़ने के बाद हमको मंदिर मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए चढ़ते हैं और मेरे साथ में मेरे साथ दिनेश भगत भी हैं। दोस्तों, अभी हल्का बारिश भी होने लगी है और हम लोग चढ़ रहे हैं इस पहाड़ में, जो थकावट तो हम लोगों को लग रही है, लेकिन अब आए हैं तो शिव मंदिर के दर्शन करके ही जाएंगे। और देख पा रहे होंगे काफ़ी, और देख पा रहे होंगे पीछे नीचे कितना खाई जैसा लग रहा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास और जैसे ही हम मंदिर के जस्ट ऊपर में आते हैं, इधर हमको हनुमान जी मिलते हैं और जय बजरंगबली, और उसके बगल में यहां पर मिलते हैं नंदी जी। और चलिए और आगे चलते हैं। और दोस्तों, यहां बरगद का वृक्ष है। और दोस्तों, ये रहा मंदिर, शिव मंदिर। दोस्तों, इधर मंदिर का नज़ारा काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है और इधर काफ़ी इधर मैदान टाइप के हैं और यहाँ भक्त जन काफ़ी लोग आते हैं और सोमवार को तो यहाँ भीड़ होती है। दोस्तों, आज शनिवार है तो यहाँ भीड़ वीड़ नहीं है, कोई भी इधर नहीं आए हैं, तो हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए हैं। दोस्तों, जैसा हम इधर पहाड़ की ओर देखते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया में ये मंदिर है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पहाड़ के नीचे इधर कितना दूरी तक है। और दोस्तों, आप लोग जो इस देख पा रहे होंगे, उधर गांव छोटा सा दिख रहा है, वो कमरगा गांव है, जो पहाड़ी से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये है मंदिर का कुछ नज़ारा। यहाँ हनुमान जी विराजे हुए हैं, जो इनका मूर्ति यहाँ पर है। ये रहा शिव मंदिर, श्री श्री बेलटोंगेश्वर महादेव मंदिर, कमरगा में यह बना हुआ है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अभी बारिश हो रहा है दोस्तों, लेकिन इधर का नज़ारा देखते हैं, जो इसके पहाड़ी का जो निचले है, जिसमें अभी हम पहाड़ के ऊपर में है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो इधर गांव नज़र आ रहा है, वो है कमरगा गांव, और इधर खेत खलियान भी दिख रही होगी। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और दोस्तों, बारिश हो रही है, फिर भी हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, ये रहा मंदिर का नज़ारा और यहाँ पर काफ़ी सारे नारियल के छिलके यहाँ पड़े होंगे, यहाँ काफ़ी भक्त लोग आते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों, आज यहाँ का मंदिर बंद है। दोस्तों,
और चलो देखते हैं इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं कैसा हमको दिखने को मिलता है। दोस्तों यह मंदिर काफ़ी अच्छा बने हुए और मंदिर के इधर गणेश जी भी विराजे हुए हैं। दोस्तों यहाँ मंदिर के साइड में गणेश जी भी विराजे हैं और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और अभी हम लोग इस मंदिर में हैं। और दोस्तों इसके पीछे और मंदिर के पीछे में इधर खाली है, इसमें कोई और इधर लाइट भी लगा हुआ है। और दोस्तों इधर और आगे हैं तो दोस्तों इधर राधा कृष्ण की मूर्ति है। दोस्तों काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है नज़ारा, देख पा रहे होंगे इधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों और बादल काफ़ी काले हो चुके हैं। दोस्तों हमने यहाँ का मंदिर का दर्शन कर लिए और इधर मंदिर का घूम लिए और दोस्तों इधर पहाड़ी एरिया को भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिए हैं। तो दोस्तों हम आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।